पति की दोपहिया के पीछे बैठी पत्नी की गिरने से मौत हो गई। यह घटना मंगलवार की रात करीब 8 बजे आमगांव देवली गांव के पास हुई। मृतक का नाम आसमा आशीष फोफरे है। वह अपने पति आशीष चंद्रमणि फोफरे के साथ मोटरसाइकिल से आमगांव देवली आई थी। रात करीब 8 बजे वापस लौटते समय आसमा आमगांव चौराहे के पास चलती मोटरसाइकिल से गिर गई। उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई और वह बेहोश हो गई। जब उसे वाना डोंगरी के मेघे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पति आशीष द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज किया है। मृतक आसमा की मां शकीला रहमान पठान ने आरोप लगाया है कि उक्त घटना कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि आसमा की हत्या उसके पति आशीष ने की है। घटना वाले दिन शकीला किसी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में दूसरे गांव गई थी। रात 8 बजे जब वह घर पहुंची तो उसे जानकारी मिली। इसके बाद वह रात में हिंगड़ा थाने पहुंची और आशीष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शकीला ने इस प्रकरण में गहनता से जांच करने की मांग की है। बताया जा रहा है आशीष हमेशा ही आसमा से मारपीट करता था। घटना वाले दिन भी आशीष ने आसमा की पिटाई की थी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ वन न्यूज को फॉलो कीजिए।